तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्ले स्टोर के कुछ ऐसे हिडन ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हो। आप लोग तो प्ले स्टोर डेली यूज करते रहोगे, कुछ ना कुछ अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है तब आप प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते हो, या कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है तो आप प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते हो। बट इसके अंदर कुछ ऐसे हिडन ट्रिक छुपी हुई है जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों को नहीं पता होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप कोई नया फ़ोन परचेस कर रहे हो तो आपको ये डर लगा रहता है कि वो फ़ोन कहीं आपको कॉपी ना मिल जाए, यानी कि डुप्लीकेट ना मिल जाए, और आपको पता नहीं चलता है। तो जो आपको प्ले स्टोर की सेटिंग बताने वाला हूँ ना, उस सेटिंग में एक ऐसा सेटिंग भी है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आपका फ़ोन ओरिजिनल है या नहीं है, यानी कि कहीं आपको डुप्लीकेट फ़ोन तो नहीं दिया गया है। सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो, आपका फ़ोन हैक तो नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें भी आप पता कर सकते हो प्ले स्टोर के सेटिंग से। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है और एंड तक कंटिन्यू देखते रहना है। वीडियो को लाइक कर दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा देना है, ताकि जब नए वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। बस इतना सा काम आप लोगों को कर देना है। अब जो पहला सेटिंग है उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप कोई फ़ोन परचेस कर रहे हो या कोई सेकेंड हैंड फ़ोन ले रहे हो तो आपको ये डर लगा रहता है कहीं आपको डुप्लीकेट फ़ोन तो नहीं दिया जा रहा है। आप यहाँ पे कैमरा देखोगे ऐसे वैसे चेक करके अगर फ़ोन लेते हो तो आपको तो पता नहीं चलेगा कि ये फ़ोन सर्टिफाइड है या नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे आप प्ले स्टोर को ओपन करते हो, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, सबसे नीचे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखता है अबाउट, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे अबाउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आप एकदम नीचे आओगे ना तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिवाइस, यहाँ पे आते हो प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे उस नीचे आप देखोगे ना लाइट कलर में लिखा हुआ आता है डिवाइस इज सर्टिफाइड। अगर आपका डिवाइस सर्टिफाइड है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड, तो आप समझ लेना कि आपका जो फ़ोन है वो ओरिजिनल नहीं है, यानी कि आपको डुप्लीकेट फ़ोन दिया जा रहा है। अगर आपका फ़ोन ओरिजिनल है तो डिवाइस इज सर्टिफाइड यहाँ पे लिखा हुआ ही आएगा, अगर ओरिजिनल नहीं है तो यहाँ पे डिवाइस इज सर्टिफाइड नहीं लिखा हुआ आएगा, यानी कि यहाँ पे लिखा आएगा नोट, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा साफ साफ योर डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड। और उसके बाद आपको क्या करना है, कंपनी में जाना है और आपको बोलना है कि हमारा डिवाइस सर्टिफाइड नहीं दिखा रहा है, तो आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, उसके बाद आपको डिवाइस इज सर्टिफाइड करके दे देंगे। तो इस प्रकार से आप पहले सेटिंग की मदद से ये चेक कर सकते हो। अब दूसरे सेटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। दूसरे नंबर की सेटिंग की मदद से आप अपने फ़ोन की बैटरी को प्लस इंटरनेट डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके रख सकते हो। जैसे कि दूसरे नंबर की सेटिंग के लिए आपको क्या करना है, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नेटवर्क प्रीफ्रेंस, इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटो अपडेट ऐप, ऑटो प्ले वीडियो, यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ऑटो अपडेट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको डोंट ऑटो अपडेट पे कर देना है। इससे क्या होता है कि आपको भी पता है कि कोई भी अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखते हो अपने फ़ोन में, कितना भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो, उसका वीकली या मंथली अपडेट आते रहता है जो आपको पता भी नहीं चलता है, और आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में वो अपडेट होता रहता है जिससे आपका बैटरी भी यूज़ होता है प्लस आपका डाटा भी ज़्यादा से ज़्यादा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको डोंट ऑटो अपडेट पे रखोगे, जिस एप्लीकेशन को आप अपडेट करना चाहते हो उसे आप अपडेट कर सकते हो, और जिस एप्लीकेशन को आप अपडेट नहीं करना चाहते वो अपडेट नहीं होगा। उसके नीचे ही मिल जाता है ऑटो प्ले वीडियो, इस वाले पे आपको क्लिक करना है, डोंट ऑटो प्ले वीडियो पे क्लिक करके रखना है। इससे क्या होगा कि आप प्ले स्टोर जब भी यूज़ करते हो तो उस पर कई सारे वीडियोस शो होते हैं जो ऑटोमेटिक ही प्ले होने लगते हैं, जिससे आपके फ़ोन की बैटरी भी खत्म होती है प्लस इंटरनेट डाटा भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आप ये सेटिंग कर देते हो ना तो उससे आप अपने फ़ोन की बैटरी को भी सेव करके रख सकते हो प्लस आप अपने इंटरनेट डाटा को भी ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हो। तो यह रहा हमारा दूसरा कमाल का सेटिंग। अब आपको तीसरे सेटिंग के बारे में भी बता देता हूँ। जो तीसरे नंबर का ट्रिक है वो भी काफ़ी कमाल का है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है मैनेज ऐप एंड डिवाइस, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो
यहाँ पे आपको मिल जाता है यहाँ पे मैनेज वाला ऑप्शन। मैनेज वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे जितने भी इंस्टॉल ऐप है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको नॉट इंस्टॉल वाले एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट इंस्टॉल्ड। अब आपने जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके डिलीट कर चुके हो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कितने सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहाँ पे डिलीट कर दिया है ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन्हें भी आपको डिलीट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा, यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन है मैं सारे एप्लीकेशन को यहाँ पे क्लिक टिक आउट करके अब यहाँ से क्या करूँगा, इसे डिलीट कर दूंगा, जो मेरे फ़ोन को यहाँ पे हैंग होने से बचाएगा और यहाँ पे स्टोरेज भी खाली हो जाएगा। अब इतने सारे एप्लीकेशंस को मैंने डाउनलोड करके डिलीट कर दिया लेकिन ये पूरी तरह से डिलीट नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा एप्लीकेशन है इसमें भरा पड़ा है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे फ़ोन की स्टोरेज भी फुल बताता है और हमारा फ़ोन भी क्या करता है लैग करने लगता है, स्लो चलने लगता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी एप्लीकेशन से उन्हें यहाँ से आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। जिसे आप इंस्टॉल करके डिलीट कर चुके हो बट यहाँ से भी आपको उन्हें डिलीट कर देना है। तो ये रहा हमारा तीसरे नंबर का सेटिंग। तो अगर आपको ये तीनों सेटिंग तो अगर आपको प्ले स्टोर की ये तीनों सेटिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।